हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं अदानी पावर एंड अदानी विलमार के स्टॉक को लेकर। इन दोनों स्टॉक में आज के सेशन में लोअर सर्किट लग चुका है। मैंने मॉर्निंग में अदानी विलमार पे वीडियो बनाई थी, जहां मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था कि स्टॉक कहीं ना कहीं निचले स्तर की तरफ जा रहा है, जहां पे ये लॉक भी हो सकता है। बट आपको, अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है तो आप अपनी पोजीशन में मेंटेन रहें, बट एसएल रखें। अब जिसने एसएल रखा होगा वो आज शायद काट दी होगी उसने अपनी पोजीशन, क्योंकि स्टॉक पे मैंने 701 रुपीज का एसएल दिया था, जो आजकल होता 699.80 का इसमें लोअर सर्किट था। तो जिसने भी काटी है शायद वो अभी ठीक है, मतलब कल हो सकता है, जो भी हो, बट अभी है वो। अब अगर बेचना चाह रहे हो तो आप बेच नहीं पाओगे। सेम टू सेम अदानी पावर में लोअर सर्किट लग चुका है, अब आप बेचना चाहोगे तो नहीं बेच सकते। और आप सभी को ये भी पता है कि T2 में ट्रेड कर रहे हैं ये स्टॉक, और मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू बात भी कर रहा हूं कि स्टॉक जो है T2 में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अगर आप आज खरीद लेते हो तो फिर आप अगले दो दिन तक बेच नहीं सकते हो। तो इसके चलते मैंने आपको फ्रेश एंट्री तो टोटली इग्नोर करने के लिए कहा था, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब आगे क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, लेना चाहिए या निकलना चाहिए। देखिए, अदानी विलमार में तो T2 लगा हुआ है, लेकिन अदानी पावर की बात करूं तो यहां नॉर्मल ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन सर्किट पे लॉक है, तो शायद आप सेल नहीं कर पा रहे होंगे, जिसका रीजन है कोई सामने बायर ही नहीं है। ठीक है, अभी एक एक करके दोनों स्टॉक्स पे बात करते हैं। आपको अपनी पोजीशन को कैसे मेंटेन करना चाहिए, अगर गिर रहे हैं तो कितना गिर सकते हैं, खरीदना चाहिए तो कौन से लेवल्स पे लेना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास कंटिन्यू आते हैं। और अदानी विलमार को लेकर काफी ज्यादा क्वेरीज रहती है कि कहां पे खरीदें। तो चलिए गाइस, इसी पे बात करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए, तो प्लीज को लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपका किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पे या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। सबसे पहले अपन लोग कवर करते हैं अदानी पावर को, जिसमें आज के सेशन में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई। देखिए, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में कहीं ना कहीं पिछले एक दो दिनों से वीकनेस चल रही है। आज अदानी पोर्ट्स के रिजल्ट्स भी आने हैं, रिजल्ट्स भी आप सभी के साथ सबसे पहले डिस्कस होंगे हमारी तरफ से, देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस में एक वीकनेस चार्ट पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जो नीचे की तरफ ले जा सकता है स्टॉक को। एंड अदानी विलमार एंड अदानी पावर तो सर्किट पे खड़े हैं। स्टॉक की बात करें तो पहला 299 रुपीज तक का लेवल देखने को मिल सकता है आपको, जो कि रिसेंटली तीन बार स्टॉक ने ऊपर में हाई बनाया है 299 का, और हर बार करेक्ट हो जाता, बट इस बार स्टॉक ऊपर निकला और स्टॉक फिर 52 वीक हाई लगाते हुआ है 344 रुपीज का। स्टॉक में देखा जाए तो आज के सेशन में 4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, 4.5 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। और मैं आपसे कंटिन्यू कर रहा हूं कि इस तेजी में वॉल्यूम्स थोड़े से मिसिंग है हमेशा की तरह से। जैसे पिछली बार जो तेजी बनी थी वहां वॉल्यूम्स बहुत हैवी थे, लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई, फिर दोबारा ये जो तेजी बनी है इसमें वॉल्यूम्स उतने नहीं थे। अभी स्टॉक की बात करूं तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, अपनी फ्रेश एंट्री बिल्कुल इग्नोर करें, कौन से लेवल्स पे लेना चाहिए, इसका आप सवाल पूछ रहे हैं अगर मेरे से इसका, तो मैं अभी बताता हूं। स्टॉक में बेस है कहीं ना कहीं 220 रुपीज के आसपास, 220 के पास जब भी जाएगा तो हम वहां पे सोचेंगे खरीदेंगे, नहीं सोचेंगे नई वीडियो बनाई जाएगी तब देखेंगे। बट अभी इस स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड लिस्ट में डालें, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है मैं उनसे यही कहूंगा, आप इसमें से अपनी पोजीशन को हल्की करने की कोशिश करें, निकलने की कोशिश करें, क्योंकि स्टॉक अनाप शनाप लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको इस टाइम। तो ठीक है, बात करते हैं अदानी विलमार में। तो स्टॉक में आज के सेशन में जो लो था वो ब्रेक हुआ है, एंड स्टॉक लोअर सर्किट पे लॉक हो चुका है। स्टॉक की बात करें तो इस पे 549 रुपीस के पास एक बेस है, और मैं वहीं पे आपको बाय रिकमेंडेशन भी करी थी, और दोबारा से कह रहा हूं स्टॉक अगर उन्हीं लेवल्स के आसपास आता है तो आपको खरीदने के मौके होंगे। अभी स्टॉक में जिसने नहीं बेचा है, अब स्टॉक के लिए नेक्स्ट लेवल जो निकल के आ रहा है लगभग स्टॉक में, जो 20 मई का हाई था 700 रुपए का, वहीं आ चुका है स्टॉक। अभी मुझे लगता है 665 रुपीज जो इसका सेकंड हाई है, जहां पे स्टॉक थोड़ी देर ट्रेड करा वहीं पे, क्योंकि 5% के सर्किट से चल रहा है स्टॉक, इसीलिए जो लेवल्स है वो काफी दूर के निकल के आ रहे हैं। अगर मैं स्टॉक में देखूं तो स्टॉक में जो डबल बॉटम फॉर्म हुआ है अराउंड 550 रुपीज के आसपास, अगर उसका हाफ भी लेते हैं आप तो 636 रुपीज के आसपास का पहला सपोर्ट लेवल निकलेगा स्टॉक के लिए। तो इसमें भी सेम रिकमेंडेशन है, इग्नोर करें फ्रेश एंट्री, बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, अगर लेना है तो अराउंड 550 के पास ही लेंगे, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो बाउंस बैक पे निकलने की कोशिश करें, पोजीशन हल्की करने की कोशिश करें। कल भी मैंने आपसे यही चीज कही थी कि पोजीशन हल्की करें, आज भी मैंने मॉर्निंग में कहा पोजीशन हल्की करें, अब भी मैं यही कह रहा हूं, इनफैक्ट अब तो मैं एग्जिट ही कह रहा हूं आप सभी से कि पोजीशन को हल्की करें,
एंड जब लोअर लेवल्स पे आएगा 550 के पास, वहां पे हम खरीदने की सोचेंगे। तो ये मेरी वीडियो अदानी पावर, अदानी विलमार पे, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।